हरे कृष्ण। तो आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग श्राद्ध क्यों करते हैं और तेरही का जो ये सिद्धांत है, ये सब क्यों हमारे शास्त्र में बनाया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी महत्वता क्या है। सबसे पहले तो हमको ये बात जान लेना चाहिए कि जब हम परंपराओं बिना उसके मूल उद्देश्य को समझे जब हम उसका निर्वहन करने लगते हैं तो वो परंपरा कालांतर में मात्र एक दिखावा और अंधविश्वास बन जाता है। तो लोग जो हैं, अगर उनके समाज में, लोगों के घर परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग तेरही करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, पितृपक्ष में विशेष रूप से। लेकिन लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये सब हमारे शास्त्र में नियम क्यों बनाए गए और इनका उद्देश्य क्या है। तो यही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और कृपया आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के श्राद्ध में, तेरही में आप उसका हिस्सा बनेंगे और वहाँ पर उस समय आपको ये ज्ञान जो है आपके लिए आवश्यक हो। तो गरुड़ पुराण में जो है इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण जो है बताता है कि जब एक व्यक्ति का जब मृत्यु होता है और अगर उसने पूरा जीवन केवल कर्मों को करते हुए ही जिया, सकाम कर्मों को करते हुए अगर उसने जिया है, केवल सांसारिक भोग में ही उसका मन लगा है, परिवार में ही, संसार में ही, इन्हीं चीज़ों में अगर उसका मन सदैव लगा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के समय उनके प्राण को लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत कोई बहुत सुंदर जीव होते नहीं हैं, बहुत ही खूंखार डरावने से जीव होते हैं। उनके हाथ में ये पाश होता है जिसके माध्यम से वह जीव आत्मा को उसके शरीर से नोच कर निकालते हैं। और शास्त्र बताता है कि जब ये कार्य हो रहा होता है तो एक उस मरते हुए व्यक्ति को 40,000 बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा होती है। फिर उसके बाद उस आत्मा को वहाँ से निकालने के बाद उसको तुरंत एक शरीर प्रदान किया जाता है जिसे यातना शरीर कहा जाता है। इस शरीर की विशेषता ये होती है कि जब तक यमराज जी नहीं उनकी इच्छा होती तब तक जीवात्मा जो है इस शरीर को छोड़ नहीं पाता। लेकिन इस शरीर में, ये शरीर में क्योंकि समस्त इंद्रियां होती हैं तो वो समस्त प्रकार के सुख दुख का अनुभव कर सकता है, समस्त प्रकार की पीड़ा का वो अनुभव कर सकता है। और जब तक यमराज की इच्छा ना हो तब तक उस शरीर को जीव छोड़ भी नहीं सकता। तो ये यातना जो शरीर है यमदूत उसको तुरंत देते हैं और यमदूत जो है उस जीवात्मा को ले करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो ऐसा बताया हुआ है गरुड़ पुराण में कि यमपुरी पे पहुँचने से पहले 13 गाँव कुल मिलाकर के 13 गांवों को पार करना होता है। और ये गांव जो हैं बहुत ही सुख वाले गांव नहीं होते हैं। इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इसके एक ग्राम में क्या रहेगा कि पूरे जमीन पर अग्नि रहता है, अग्नि जल रहा होता है और जीवात्मा को अपने उस यातना शरीर के साथ उस पर चलते हुए जाना होता है। किसी गाँव में जंगली पशु होते हैं जो नोच करके खाते हैं मांस को, उन पशुओं से बचते हुए उसको भागना होता है। किसी स्थान पर बहुत ही भयानक वहाँ पर क्या बोलते हैं, भूत प्रेत होते हैं जो तरह तरह की पीड़ा देते हैं। और इस प्रकार से 13 गांवों को पार करके 13वें दिन जो व्यक्ति है वो वैतरणी को पार करके यमराज जी के सामने जो है प्रस्तुत होता है और उस दिन जो है उस व्यक्ति के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज जी के दरबार में किया जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में 13वीं का सिद्धांत बनाया गया क्योंकि 13वें दिन सारे जितने भी ब्राह्मण हैं या जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग हैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उस दिवंगत आत्मा के नाम पर उन व्यक्तियों को भगवान का प्रसाद उनको दिया जाता है भोजन करने के। तो इससे होता क्या है कि जब यमराज जी उसका निर्णय कर रहे होते हैं तो उस व्यक्ति के जितने भी पाप कर्म होते हैं उसका हिस्सा ये सब लोग जिन्होंने उस भोजन को ग्रहण किया उन व्यक्तियों के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आ जाता है और इस प्रकार से उस व्यक्ति की यातनाएँ या जो भी उसको दुष्परिणाम मिलने वाले हैं यमलोक में वो कम हो जाते हैं या वो समाप्त होते हैं। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार जो है ये श्राद्ध, पिंडदान और 13वीं का नियम बनाया गया। पिंडदान किया जाता है ताकि उस पिंडदान के अन्न को खा करके जीवात्मा जो है अपनी यातना शरीर को शक्ति उसको प्रदान हो सके। ये पिंडदान जो है इसको पितर ग्रहण करते हैं और पितर जो है फिर वो शक्ति जो है उस जीवात्मा को प्रदान करते हैं। तो ये सिस्टम बनाया गया है ताकि जिससे दिवंगत आत्मा जो है वो अपने कर्म का निर्वाह करता रहे, अपने पाप पुण्य का जो भी उसको फल भोगना है वो यमराज जी के आदेश पर भोग सके। तो उसके पुण्य के वर्धन करने के लिए, पाप का क्षय करने के लिए 13वीं का सिद्धांत बनाया गया। लेकिन कालांतर में क्योंकि लोगों ने इसको बिना सोचे समझे ही इसका पालन करने लग गए तो अब जो श्राद्ध में 13वीं में जो लोगों को भोजन ग्रह किया जाता है पहले तो वो भगवान को भोग नहीं लगता तो वो प्रसाद रहता नहीं तो उसमें वो पहले ही दूषित हो जाता है। दूसरा, जिन लोगों को इकट्ठा करके उनको भोजन दिया जाता है जनरली आमतौर पर उनका कोई आध्यात्मिक उनका कोई क्रेडिट उनके पास नहीं होता।
और जब आध्यात्मिक क्रेडिट आपके पास नहीं है तो फिर ऐसे में अगर आप किसी दूसरे के हिस्से का पाप अगर आप अपने ऊपर लेते हैं तो वैसे लोगों का भी जीवन फिर सुखी नहीं रह सकता। ये सिद्धांत शास्त्र में बताया हुआ है, आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये शास्त्र का ये जो बात है हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है। इसीलिए शास्त्र क्लियरली बोलता है कि जिन लोगों के पास आध्यात्मिक बल है मात्र उनको अधिकार है कि वो तेरही का या श्राद्ध का जो अन्न है उसको ग्रहण कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये उसी तरह से है कि अगर मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप उस क्रेडिट कार्ड में किसी कोई सामान वस्तु खरीद लेते हैं और आप उस पैसे को नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या होगा, तुरंत आपके ऊपर टैक्सेस लगने लगेंगे और आप उसको नहीं भरेंगे तो धीरे धीरे कोई ना कोई बैंक से कोई व्यक्ति आएगा आपके साथ वसूली करने के लिए, आपको परेशान करेगा, आपको डांटेगा, आपको शायद गाली गलौज होगी। तो ये सब जो चीज़ें होंगे क्यों होंगे, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव क्रेडिट जा चुका है। उसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक बल नहीं है किसी व्यक्ति के पास लेकिन फिर अगर वो तेरही का अन्न ग्रहण करता है तो उसके क्रेडिट नेगेटिव हो जाते हैं और इस कारण से उसको और अपने जीवन में दुख भोगना पड़ता है। तो सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय यही होता है कि व्यक्ति को सर्वप्रथम तो इन कर्मकांड के नियमों को तो पालन करना ही चाहिए क्योंकि शास्त्र में बताया हुआ है, लेकिन साथ साथ में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेरहवीं के समय हम भोजन जो है भगवान के भक्तों को कराएं। भगवान ऐसा भोजन बनाए जिसमें लहसुन प्याज नहीं है, शुद्ध सात्विक भोजन हो, जो भगवान कृष्ण को भोग लगाया गया हो, और फिर वो जो प्रसाद है वो प्रसाद जो भोजन रूप में जो पूरा प्रसाद है उन भक्तों के बीच में बांटना चाहिए जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का नित्य जप करते हैं। अगर आप ऐसे भक्तों का भगवान कृष्ण के नाम का जो जप कर रहे हैं उनको अगर आप भोजन कराते हैं तेरहवें के दिन, तो इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति जो दिवंगत आत्मा है उसके पुण्यों में उसका वर्धन होता है। यमराज जी के सामने अगर वो व्यक्ति गया हुआ है तो उस पर कृपा मिलती है भगवान के भक्तों का, और साथ साथ में जिन पाप का वहन उन व्यक्तियों ने उस अन्न को ग्रहण करके किया हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है भगवान कृष्ण के नाम के प्रताप से। परंतु ये भी हम ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण का नाम का जप हमको पाप नष्ट करने के लिए नहीं करना होता है, ये तो उसका एक साइड इफेक्ट है। हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो ये कि अगर हम तेरह ही मना रहे हैं, यदि हम किसी को भोजन कराना चाहते हैं किसी के नाम पर, तो वो हम प्रयास करें कि भगवान कृष्ण को भोग लगा हो और किसी भक्त को ही दें, ताकि इससे जिस व्यक्ति के नाम पर दिया जा रहा है उसका भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। हरे कृष्ण।